छत्तीसगढ़ शराब घोटाला की आंच में अब खुद सीएम भूपेश बघेल तपने लगे हैं। वजह ये कि जिन अधिकारियों की देखरेख में 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ, उन्हें बचाने का आरोप बघेल पर लगता रहा। ईडी ने अनवर ढेबर को गिरफ्तार करने के बाद कहा था कि अनवर ढेबर शराब कारोबार का सरगना है और आईपीएस अधिकारी अनिल टुटेजा उस पर पैसे का प्रबंध करता था। एजेंसी ने दावा किया था कि शराब घोटाले की अवैध कमाई का इस्तेमाल चुनावों के लिए किया गया। टुटेजा वर्तमान में छत्तीसगढ़ के उद्योग और वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत है। अनिल टुटेजा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का खास माना जाता है और ये अधिकारी हैं जिनका नाम राज्य के नान घोटाले में सामने आया था। हालांकि भूपेश बघेल ने इन पर कार्रवाई करने की बजाय इन्हें उद्योग एवं वाणिज्य जैसे महत्वपूर्ण विभाग के संयुक्त सचिव पद की जिम्मेदारी दे दी। आरोप है कि सीएम बघेल टुटेजा को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब बीजेपी ने ट्वीट करके भूपेश बघेल को घेरा है। भाजपा ने कहा कि भूपेश बघेल के संरक्षण में छत्तीसगढ़ में हुआ 2000 करोड़ का शराब घोटाला। भूपेश जी, जरा आंख उठाकर बताइए तो सही, कितना बंटा और कितना घर पहुंचा? दरअसल ईडी ने पहले इस मार्च में कई स्थानों पर तलाशी ली थी। इसके साथ ही विभिन्न व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए थे। इस दौरान ये निकल कर सामने आया कि साल 2019 से 22 के बीच 2000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग किए गए। ईडी ने इसके सबूत भी एकत्र किए हैं। ईडी का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग जांच से पता चला कि अनवर ढेबर के नेतृत्व में एक संगठित आपराधिक सिंडिकेट छत्तीसगढ़ में काम कर रहा था। अनवर ढेबर की आड़ में उच्च स्तर के राजनीतिक अधिकारियों और नौकरशाहों के द्वारा अवैध काम को अंजाम दिया जा रहा था और इसके लिए उन लोगों ने व्यक्तियों एवं संस्थाओं का एक व्यापक नेटवर्क तैयार किया था। इस घोटाले को तीन तरीके से अंजाम दिया गया। पहला, सरकारी शराब की बोतलों पर 70 से 150 रुपए प्रति केस अनवर दुकानदारों से कमीशन लेता था और दूसरा, उसमें दूसरे पैटर्न में नकली शराब बनाकर सरकारी दुकानों के माध्यम से बिक्री करवाई जाती थी और उसका पैसा खुद रखता था। तीसरा पैटर्न था लाइसेंस में कमीशन लेना और एक वार्षिक कमीशन था जिसका भुगतान मुख्य डिस्टिलर्स द्वारा डिस्टिलरी लाइसेंस प्राप्त करने और CSMCL की बाजार खरीद में निश्चित हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए किया जाता था। छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री 800 सरकारी दुकानों के जरिए की जाती है। निजी दुकानदारों को शराब बेचने का अधिकार नहीं है। दुकान चलाने वाले लोगों के मैन पावर से लेकर कैश कलेक्शन तक का काम राज्य सरकारी कंपनीज छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड देखती है। अनवर ढेबर अपने राजनीतिक आकाओं अधिकारियों के सहयोग से एक आयुक्त और MD तक पहुंच बनाने में कामयाब हो गया। ईडी का कहना है कि सिंडिकेट में राज्य के वरिष्ठ नौकरशाह नेता और आबकारी विभाग के अधिकारी शामिल हैं। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया।